दानापुर से बाहुबली राजद विधायक रीतलाल यादव एवं महुआ विधायक मुकेश हसन हरियाणा मंदिर के बाद राहड़ दियारा चौक स्थित माँ दुखहरणी दुर्गा मंदिर में शुरू हुए अष्टयाम में शरीक होने पहुंचे। इस दौरान मंदिर की आस्था के बारे में चर्चा करते हुए रीतलाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ही नहीं देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। वहीं मीडिया के बाहुबली और अपराधी होने के सवाल पर रीतलाल यादव ने कहा कि वह पहले भी बाहुबली थे, आज भी हैं और जनता चाहेगी तो आगे भी बाहुबली ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कोई स्वाभिमान के साथ खेलेगा तो लाठी उठाने में भी देर नहीं होगी। वहीं डॉक्टर मुकेश हसन ने कहा कि भाजपा मंदिर के नाम पर चंदा उगाही करती है, हम लोग पूजा करते हैं। भाजपा देश को मंदिर के नाम पर गुमराह करने में लगी हुई है। इस दिवाली एनडीए की थी और होली हमारी होगी। इतना जरूर पता है कि जो विश्व धरती है हम लोग का हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, और इस जगह पे विश्व मेला के नाम से भी लोग में लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ जो छतर मेला के नाम से जो प्रसिद्ध है, यहाँ पे अनेकों प्रकार के मवेशी पशु जीव जंतु मानव कल्याण से संबंधित जो भी सामग्री था सब कुछ मिला करता है। इसी के उपलक्ष में 1803 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक शख्स था जिन्होंने बहुत बड़ा अस्पताल का एक कैंपस बनाने का काम किया। आगे के मन में रख ले कि नहीं, राज्य का मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, हमारे राष्ट्र का मुखिया बनाने का सपना पूरा होगा तब जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं सोच के साथ जब हमारे राष्ट्र के मुखिया आपके बीच के चाहते भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बनेंगे तो किसान विरोधी बिल का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए उस सभी पे हम शायद भाई बंधु मिलकर पाबंदी जरूर लगाएंगे। और हम चाहेंगे कि जितने भी सभा में उपस्थित मंच पर उपस्थित अभिभावक भाई बंधु माता बहनों गार्जियन अभिभावक जो भी लोग हैं इस कदम को एक दूसरे में कदम मिलाकर चलें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा सपना पूरा होगा। दुर्गा मंदिर का आज द्वितीय वर्षगांठ है, उस अवसर पे हमारे बड़े भाई रीतलाल यादव जी आए हैं और जो भी यहाँ सोनपुर के लोगों का जो प्यार मिला है उसके लिए हम पूरे सारण और वैशाली जिला के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि अपार समर्थन और अपार प्यार देने का काम किया। रीतलाल भैया पहली बार आए हैं सोनपुर की धरती पर हरिहरनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। विश्व प्रसिद्ध मेला रहा है सोनपुर मेला, उसको भी समाप्त कर दिया गया इन लोग के राज में, उसको भी धीरे धीरे छोटा कर दिया। इस बार तो कोरोना काल में मनाया भी नहीं गया, तो हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सोनपुर मेला का अस्तित्व है उसको बचाने का काम करें। मंदिर घूम रहा है आप लोग, बड़ी मंदिर की राजनीति चल रही है। हम लोग तो हमेशा से पूजा पाठ करते रहे हैं और हमारे नेता भी पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं। भाजपा और आरएसएस वाले जो हैं वो लोग चंदा और मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये सब जो है आपको सब भोकाल टाइट करता है बस मंदिर के नाम पर और चंदा वसूली करता है, ये सब बंद करे और लोगों का विकास किसानों के हित में जो बिल
नहीं है उस पर भी विचार करने की जरूरत है। रीतलाल यादव उस शख्स का नाम है जो पत्तल भी उठाने की जरूरत पड़ेगा तो उठाएंगे सबों के साथ मिलकर, कपड़ा भी धोने की जरूरत पड़ेगा तो सबों के साथ धो सकते हैं, कुदाल भी चलाने की आवश्यकता पड़ेगा तो कुदाल भी चला सकते हैं, लाठी चलाने की आवश्यकता पड़ेगा तो लाठी भी चला सकते हैं। स्वाभिमान से खेलने के बाद अगर जो किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयार है। जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में आपको रीतलाल यादव मिल जाएगा। अभी जिस तरीके से आपने आंकड़ा पेश किया है और जिस प्रकार से आपको लिया जाता है बाहुबली और अपराधी के रूप में और आज जनता ने चुन करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो कौन सा बेहतर लगता था, पहले वाला या अभी वाला, या लोग जो बाहुबली कहते हैं वो अच्छा लगता है? ना मेरा कल का समय खराब था ना आज का समय खराब है, ना सोचते हैं कि आने वाला समय मेरा कभी भी खराब होगा। क्या सुनना, कल भी हम बाहुबली थे आज भी बाहुबली हैं और जनता चाहेगी तो कल भी हमको बाहुबली बना कर रखेगी।